नासिर और आप देख रहे हैं hindraj.com खबर वही जो आपके लिए सही। हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ MIM कार्यालय पर मोहम्मद अनस साहब मौजूद हैं, जो अभी से मेरठ के पहले ही से अघोषित सांसद कहे जा रहे हैं और इन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है चेयरमैन के चुनाव में। और इनका कहना है कि अगर कभी अगर कुछ पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती जिस तरह से ओवैसी के पार्टी पर आरोप लगा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी, तो आज इनसे जानते हैं आपको चुनाव दो नंबर पे रहे मेरठ जैसी सरजमीन पे, तो क्या लगता है आगे उम्मीद है? ऐसा है कि अब तो आवाम फैसला करती है, वो वक्त जा चुका है कि जब लीडर आवाम के बीच में आते थे और बड़ी बड़ी बातें करके लॉलीपॉप देते थे, तालियां बजवा के चले जाते थे। अब आवाम उसमें सक्षम है और आवाम फैसला करती है कि क्या सही है, आवाम के लिए क्या गलत है। आवाम देख रही है मुल्क के हालात को, देख रही है सारी चीजें, कौन सी पार्टी सियासी पार्टी चुकी है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में माशी सियासी और सामाजिक तौर पे किसी को सबसे ज्यादा कमजोर किया गया तो मुसलमानों को किया गया, और मुसलमानों को मजबूत करने की अगर कोशिश जुस्तजू कर रही है तो और तमाम के तमाम तबके जिस तरीके से सियासी तौर पर मजबूत है तो मुसलमानों को भी मजबूत होना चाहिए, ये मुसलमान समझता है। सवाल इसमें यह है कि मेरठ की सरजमी 1857 की क्रांति से जानी जाती है, अगर वो क्रांति ना हुई होती तो शायद देश आजाद नहीं होता, तो मैं भी कई इसको क्या लगता है कि MIM दो नंबर पे आती है, जो एक भारत के मुसलमानों के साथ जो एक मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है वो राजनीति में आके नंबर दो पे चेयरमैन के चुनाव में बड़ा चुनाव होता है नगर निगम का, वहाँ पे क्या लगता है रास्ता वहाँ मेरठ भी आवाम के लिए खोल दिया गया है एक उज्जवल ओवैसी की भी पार्टी? देखिए बिल्कुल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मजबूत होना जरूरी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मजलिस इत्तेहाद जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ताकत बढ़ रही है, तो मेरठ में आप देखेंगे तो मेरठ में हमारा जो जिस तरीके से कैडर और मिशन पे काम किया हमारी पार्टी के वर्कर्स ने, तो LIU की रिपोर्ट है, तमाम के तमाम जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन तमाम लोगों ने इस चीज को देखा, मीडिया ने देखा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मेरठ के अंदर RSS से ज्यादा मजबूत कैडर किसी के पास है तो मजलिस इत्तेहाद उसी की बदौलत वही मेहनत जुस्तजू रही तो रिजल्ट अच्छा आया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन लगातार कामयाबी को हासिल करेगी, और आने वाले जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे तो इंशाल्लाह हर इलेक्शन में हमें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, कामयाबी। जैसे मेरठ की जनता साथ है, वैसे ही अलीगढ़ की है, लेकिन कहीं ना कहीं MIM को वहाँ उठना मुमकिन है। क्या लगता है आपको जिस लिए बुलाया गया है, आप पार्टी के कार्यक्रम में आए थे, क्या मूल मंत्री कर रहे हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष को पार्टी मजबूत करने के? कि हम तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे तमाम वर्कर्स हैं पार्टी के अलीगढ़ में, हमने उनको मैसेज दिया कि आप लोग तमाम मेरठ के वर्कर्स से सीखे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है, और लगातार मेहनत उस चीज में जारी है। आपने देखा है कि यहाँ पर खासकर नौजवान तबके में मजबूत पार्टी के लिए जो एक जुनून है और सच्चाई यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की कमान नौजवान के हाथ में आ जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी की तरफ से बढ़ता है, क्योंकि नौजवान अब सियासत में रुचि ले रहा है और नौजवानों में जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो तो नौजवान समझ रहा है। मोहम्मद अनस साहब मेरठ के प्रभारी हैं और उन्होंने चेयरमैन के चुनाव में नगर निगम के चुनाव में मेरठ नगर निगम में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, मतलब बहुत मुश्किल से बीजेपी अपनी जीत बना पाई जो कि मोहम्मद अनस के रहते हुए बड़ी मुश्किल बात थी। तो आप देख रहे थे hindraj.com खबर वही जो आपके लिए।